एक सीन यहाँ से लिया जाता है, एकलिंग जी महाराज के सामने के मंदिर का। तो यहाँ पर बोरी डालते हैं धर्मेंद्र जी गाड़ी पे से उठा के। और एक सीन यहाँ जसमंद झील का है, ये फूड का। तो एक सीन जो भैरव मंदिर का है, आप देख पा रहे हो यहाँ का। हाय हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। तो मैं हूँ केशव खिलाड़ी। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 1972 में आई फिल्म धर्मेंद्र की समाधि की गाने की शूटिंग की लोकेशन पर। तो गाने के बोल हैं, जब तक रहे तन में जिया, तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ गाना है। तो दोस्तों इस गाने को गाया है, सिंगर हैं आशा भोसले और इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं RD वर्मन। तो दोस्तों इस गाने के कलाकारों की बात कर ली जाए तो इसमें कलाकार हैं धर्मेंद्र जी और आशा फरेक। तो इस फिल्म में कलाकार और हैं जया बहादुरी जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है आज में डेट में। तो दोस्तों इस गाने की लोकेशन की बात कर ली जाए तो इसकी लोकेशन है राजस्थान उदयपुर सिटी से 20 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी। एकलिंग जी महाराज का जो मंदिर है उसका थोड़ा सीन है उसका सामने का, और जसमंद झील का जो फोर्ड है ऊपर वाला वो किला दिखता है उसके नीचे से सीन लिया गया है, और एक भैरवनाथ का मंदिर है वहाँ पर जो खंडर पड़ा उसका सीन लिया गया है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर देना लाइक, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कैलाशपुरी एकलिंग जी महाराज मंदिर। तो ये उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, तो उदयपुर से ये 20-25 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर है, सॉरी ये 40 किलोमीटर है उदयपुर से। तो ये इस मंदिर को मेवाड़ के जो राजा थे बप्पल रावल, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। तो यहाँ के आज भी जो राजा हैं तो यहाँ पर आते हैं सोमवार के दिन पूजा करने के लिए। तो दोस्तों चलो चलते हैं जहाँ पर जो समाधि फिल्म में सीन लिया गया था। तो दोस्तों ये सीन सामने वाला जो मंदिर देख पा रहे हैं तो वहाँ से सीन लिया गया था। तो धर्मेंद्र जी जो पीठ पर बोरा रख के ये बगल वाली दुकान है वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ का सीन है, आप जो पेड़ देख पा रहे हो पाखर का, तो वो पीछे से थोड़ा मकान बन गया। तो यही दुकान है जहाँ पर धर्मेंद्र जी बोरे रखते हैं पीठ पर रख कर, तो ये सामने की दुकान है। तो दोस्तों इस मंदिर का एक सीन यहाँ से लिया जाता है, जब धर्मेंद्र जी जो बैल वो गाड़ी होती है जो हाथ से खींचते हैं, तो वो सीन यहीं का सामने का मैच कर सकते हैं इस मंदिर का। तो वो यहीं का भी टेंट लगा है, जो टेंट के वजह से थोड़ा सीन कम दिख पा रहा है। तो यहाँ का ही वो सीन है समाधि फिल्म का। तो एक सीन जो थोड़ा जो दुकान है ऊपर का जो आदमी बैठे रहते हैं, तो ये सी का सीन है, इसमें पर्दे डले थे पहले इसमें जो गोल गोल गुलाजवारा था, तो इसका ही सीन है। तो दोस्तों इस दुकान के बाजू में एक दुकान है, तो यहाँ का आप मैच कर सकते हैं, यहाँ पर बोरे डालते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले सीन के पास, जसमंत झील, वहाँ पर सीन लिया। जी आ गए हम जसमंत झील पर, तो ये फोटो थोड़ा सा दिखता है, इसका थोड़ा ही सा सीन है। तो दोस्तों एक मंदिर और मिल गया है मुझे, तो वो मंदिर के लिए हम जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है, वो मनीष भाई चढ़ गए हैं और पत्थरों को पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो मेरे, तो यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, चलो चलते हैं। और पीछे जो झील है नज़ारा देख पा रहे हो झील का, तो यहाँ से हम अभी चढ़ रहे हैं मंदिर के लिए। तो गिरने का अगर पैर फिसल गया तो हम नीचे पानी में जाके गिरेंगे। ओह तो अभी अयो तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास। ये वाला मंदिर है, ये भी खंडर पड़ा है, वीरान मंदिर है, इसमें किसी की भी पूजा नहीं होती है। तो अभी हम चल रहे हैं, देखते हैं मंदिर का नज़ारा। तो मंदिर का नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, चलो आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। तो ये है वो मंदिर। तो दोस्तों कुछ सीन यहाँ से लिए गए हैं समाधि फिल्म के, जब धर्मेंद्र जी एक साहूकार जो पैसे वाला होता है जमींदार, उसका एक बच्चा पकड़ के लाते हैं, तो वहाँ पर जो मांग करते हैं 5,000 रुपये की, तो वो यहीं पर आते हैं, तो बच्चा छूट जाता है धर्मेंद्र के हाथ से, वो पहाड़ पे से गिर कर बच्चा ख़त्म हो जाता है। तो बच्चे को यहीं पर दफनाते हैं धर्मेंद्र जी, तो वो सीन इसी मंदिर का है, इसी के सामने दफनाते हैं।
तो दोस्तों मेरे से गलती हो गई इसमें, मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, क्योंकि जब हम बनाने आए तो हमको मालूम नहीं था कि यहाँ का जो सीन इसमें लिया गया था, खाली हम तो वैसे वीडियो बनाने आए थे। हमको जब बाद में मालूम पड़ा कि वो समाधि फिल्म का यहाँ पर सीन लिया गया, तो दोस्तों हम दोबारा जाके इसका वीडियो बनाएंगे जब आपको अच्छे रियल में दिखाएंगे। अभी तो चलो दोस्तों अभी जैसे है बना दिया था, मालूम नहीं था। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं घर की तरफ अपने, तो हम अगली बार आएंगे फिर आपको सही तरीके से इस वीडियो इस जगह का वीडियो बनाएंगे, तो इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं दोस्तों। तो चलो जय हिंद जय भारत।